हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम साइनेक्स प्रो सिरामिक कोटिंग, जो कार में कोटिंग करते हैं, उसका परचेज किया है अमेजोन से, और हम चेक करेंगे कि बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है। बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, सिरामिक कोटिंग जो साइनेक्स प्रो है, और फिर हम कार की सिरामिक कोटिंग भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बॉक्स में चेक करते हैं कि क्या क्या इसके साथ में दिया है। फ्रेंड्स, इसके बॉक्स में एक और बॉक्स है, साइनेक्स प्रो का बॉक्स, उसको निकालेंगे और चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइनेक्स प्रो की पैकिंग है। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ में माइक्रोफाइबर का नैपकिन दिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट नैपकिन है, दो नैपकिन दिया है साथ में शायद। ये फ्रेंड्स, ये सिरेमिक की लिक्विड बॉटल है, सिरेमिक गार्ड, और साथ में ये स्प्रे गन दिया है। एक और नैपकिन दिया है, एक से हम इसकी कोटिंग करेंगे और दूसरे से पॉलिशिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम कोटिंग के लिए तैयार है। हमारी गाड़ी गाड़ी का हमने वॉश करवा के रखा है, और अभी मॉर्निंग का टाइम है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिरेमिक गार्ड है साइनेक्स प्रोटेक्ट की। ये हमने एक एक्स्ट्रा नैपकिन ला के रखा है रेड कलर की, जो पहले एक बार वॉश करेंगे, बाद में हम कोटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इससे हम कोटिंग करेंगे, इसके ऊपर स्प्रे करके और गाड़ी पर भी स्प्रे करके, और दूसरे से पॉलिशिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये दूसरी नैपकिन है, और ये से हम पॉलिशिंग करेंगे। तो इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए ऐसे ही। फ्रेंड्स देखिए, कार को हमने पहले हुड का कोटिंग करने का डिसाइड किया है, तो उसे दो पार्ट में कर लिया है। एक साइड में हम कोटिंग करेंगे और दूसरे साइड से कंपेयर करेंगे कोटिंग का, कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने एक टॉवल पे स्प्रे कर लिया है, और उसके बाद हम बॉडी पे भी स्प्रे करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसको ऐसे हल्के हाथों से अप डाउन करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ में हल्के हाथों से। फ्रेंड्स, इसे दबा के नहीं करना है, हल्के हाथों से सिर्फ हाथ का सपोर्ट देना है, और फिर हॉरिजॉन्टली एक बार ऐसे कर लेंगे, ताकि कोटिंग अच्छी तरह से हो पूरे सरफेस एरिया पे। एकदम हल्के हाथों से दबाएंगे नहीं इसे,
से टच करके रखेंगे ताकि कोटिंग अच्छे से अप्लाई हो। और इसे ड्राई होने के लिए 1 से 1.5 मिनट छोड़ेंगे और फिर पॉलिशिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये 1 से 1.5 मिनट हो गया है तो हम पॉलिशिंग के लिए तैयार हैं। तो दूसरा नैपकिन लेके इसे पॉलिशिंग करेंगे राउंड राउंड, ऐसे गोल गोल घुमा के हम पॉलिशिंग करेंगे पूरा अच्छे तरह से। तो अभी हमने साइन, अच्छी सी ग्लॉसी साइन देखने को मिलेगी इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होने के बाद में अच्छी साइन दिख रही है इस पर। ये बिना कोटिंग की है और ये कोटिंग की है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो इमेज है वो एकदम क्लियर दिखता है इधर। तो फ्रेंड्स, हम ट्राई करते, देखिए यहाँ पे रुक नहीं रहा है क्योंकि हमने जब स्प्रे किया तो उसके कुछ पार्टिकल्स इधर आ गए थे, स्प्रे का फ्यूम्स। तो देखिए यहाँ पे रुका है और यहाँ पे जैसे हमने रखा तो स्लिप होके नीचे आ रहा है बॉटल। ये देखिए यहाँ पे नहीं रुक रहा है क्योंकि स्प्रे के फ्यूम्स आए थे कुछ। और यहाँ देखिए स्टेबल है, बॉटल खड़ी किया और वहाँ पे रुक रहा है। और जैसे ही फ्रेंड्स कोटिंग वाले पार्ट पे रखते हैं तो देखिए ये कैसे स्लिप होता है, ये देखिए कैसे स्लिप हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, हम अभी वाटर ट्रायल करेंगे, वाटर टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर वाटर डाल के देखेंगे कि ये वाटर रिपेलेंट है कि नहीं, वाटर स्लिप हो रहा है कि नहीं। जो मेन पर्पज है डस्ट का और वाटर का, वो एक्चुअली इफेक्टिव है कि नहीं हम देखेंगे। फ्रेंड्स, कोटिंग जब भी करें तो पार्ट पार्ट में सेलेक्ट करके करें, जैसे हुड का, डोर का, फेंडर का या बैक डोर का। छोटे छोटे पार्ट से सब हटा देते हैं यहाँ से ताकि किला ना हो। वाटर से हम टेस्ट करेंगे कि ये कोटिंग हमारा इफेक्टिव है कि नहीं। ये विदाउट कोटिंग वाले एरिया पे पानी डालने से देखिए पानी गिर रहा है, लेकिन ये पानी का दाग रह रहा है ऊपर में। और फ्रेंड्स, इधर देखिए जैसे हमने पानी डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप सभी नीचे आ जा रहा है, रुक नहीं रहा है वहाँ। इससे पता चलता है कि यह हमारा कोटिंग इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हम इसे सनलाइट एरिया में ले जाकर देखते हैं इसका ग्लॉसी कितना है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना जबरदस्त शाइन कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें अच्छे से, कलर बहुत ही ग्लॉसी टाइप का दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, साइड व्यू से कितना चमक रहा है, ये पहले के मुकाबले ये अच्छा साइन दे रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।